नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा में बोलते हुए मोदी के न्यू इंडिया के नारे पर कसा तंज। उन्होंने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि न्यू इंडिया को आप अपने पास रखें और पुराना इंडिया हमें दें, जिसमें प्यार की संस्कृति थी। हिंदुओं को, दलितों और मुसलमानों को चोट पहुंचाने पर दुख होता था। राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बचाने के लिए बीजेपी पर बोला हमला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एक ओर तो बीजेपी गांधी जी के जन्म की 150वीं जयंती मनाने जा रही है, लेकिन साथ ही जिस शख्स ने सार्वजनिक रूप से बापू के हत्यारे की तारीफ की, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये कैसे संभव है और कोई इसे कैसे डिफेंड कर सकता है? कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लिया घेरे में, कहा अगर आप जानते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 2G घोटाला और कोयला खनन घोटाले में चोर हैं, तो आज तक आपने उनको जेल में क्यों नहीं डाला? विदेश मंत्री एस जयशंकर जेपी नड्डा की उपस्थिति में हुए बीजेपी में शामिल। उनका शामिल होना बस एक औपचारिकता मात्र थी। उनको पहले ही सरकार में विदेश मंत्री का दर्जा दिया जा चुका है। पिछले कार्यकाल में सुषमा स्वराज थी विदेश मंत्री, लेकिन उन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। मायावती ने सपा बसपा गठबंधन को तोड़ने का किया औपचारिक ऐलान। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अब से पार्टी हित में हम सभी छोटे बड़े चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सपा का व्यवहार ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ऐसा करके बीजेपी को हरा पाना संभव है, जो कि संभव नहीं दिखता है। मायावती ने अखिलेश यादव के बारे में कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को टिकट ना देने के लिए कहा था, जिससे पोलराइजेशन ना हो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि सपा का वोट बीएसपी को नहीं बल्कि बीजेपी को मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगा एक और बड़ा झटका। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि वो मौजूदा आरबीआई गवर्नर के फैसलों से सहमत नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने कार्यकाल खत्म होने के लगभग 6 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया। बता दें, इससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने निजी कारण बताते हुए इस्तीफा दे दिया था। पायल ताटाबी केस में अभियुक्त जूनियर डॉक्टर हेमा आहूजा, भक्ति मेहरे और अंकिता खंडेलवाल की बेल की अर्जी मुंबई हाईकोर्ट ने की खारिज। बता दें, पायल ताटाबी ने साथी डॉक्टरों द्वारा शोषण किए जाने के बाद 22 मई को फांसी लगा ली थी। बिहार में इंसेफ्लाइटिस से हो रही बच्चों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को लगाई फटकार। अदालत ने सरकारों से 3 मुद्दे पर 7 दिन में हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसमें हेल्थ सर्विस, न्यूट्रिशन और हाइजीन का मामला है। अदालत ने कहा है कि ये जनता के मूल अधिकार हैं, जो उन्हें मिलने ही चाहिए। बता दें, पूरे बिहार में इंसेफ्लाइटिस से हो चुकी है लगभग 150 बच्चों की मौत। बिहार में चमकी बुखार से बच्चों की हो रही मौतों पर मुजफ्फरपुर सीजीएम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। सीजीएम कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ केस दायर किया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए सीजीएम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। विश्व कप में बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला। शाकिब अल हसन 50 रन बनाकर हुए आउट। शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जादू बरकरार। 3 दिन में कमाए लगभग 68 करोड़ रुपए। 20 करोड़ की कमाई से ओपनिंग करने वाली शाहिद कियारा स्टारर फिल्म दोनों के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म। 3 इडियट्स और तलाश के बाद एक बार फिर एक साथ नजर आ सकते हैं करीना कपूर और आमिर खान। खबरों की माने तो करीना कपूर और आमिर खान फिल्म लाल सिंह चड्ढा में एक साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।